करते हैं। जो जो लोग परमेश्वर की आज भी आज्ञा मानते हैं बड़ा खुश होता है, परमेश्वर उनसे बड़ा प्रसन्न रहता है। अब आप सोचिए, क्या हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं? अगर उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, अगर हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके वचनों को हम पढ़ते हैं, जितना पढ़ लेते हैं उस पे चलते हैं, और जितना वचनों को पढ़ लेते हैं उन पे चलते हैं, अगर हम चलते हैं, निश्चय परमेश्वर आपसे खुश होगा, तो निश्चय परमेश्वर आपसे खुश होगा। कितने लोग तो इस वचन को पढ़ते ही नहीं, पर कितने लोग तो इस वचनों को पढ़ते ही नहीं। अगर पढ़ भी लेते हैं तो फॉर्मेलिटी के तौर पे 2-4-5 मिनट पढ़ लेते हैं। आप उसके वचन को पढ़ोगे, जितना को आप उसके वचनों को पढ़ेंगे उतना को चलोगे। जो लोग वचनों को कम पढ़ते हैं, पक्की बात है, वचन भी कम चलते होंगे। ये पक्की बात है कि वो वचनों पर भी कम चलते हैं। अगर वचनों पर कम चलते होंगे, पक्की बात नोट करके रखना, ये पक्की बात नोट करके रखना, परमेश्वर भी आपसे कम खुश होगा। परमेश्वर भी आपसे कम खुश होगा।